ये है ग्लूकोमीटर एक्यूचेक एक्टिव और ये है ग्लूकोमीटर एक्यूचेक इंस्टेंट। दोनों सेम कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है और खून भी एक ही गया, तो फिर इसमें 91 और इसमें 120। क्यों रीडिंग हर बार अलग आती है? कौन सही है कौन गलत? इसके पीछे साइंस है। जब आप अपनी उंगली में सुई मार के ब्लड निकालते हैं और अगर आप दबा दबा के ब्लड निकालते हैं तो उस ब्लड में आपके सेल्स के अंदर का इंटरस्टिशियल फ्लूइड मिक्स हो जाता है। वो ब्लड को डाइल्यूट कर सकता है। जो अल्कोहल स्वैब से आप साफ करते हैं अगर उसे सूखने ना दें तो वो भी आपके ब्लड सैंपल को डाइल्यूट कर सकता है, शुगर लेवल कम आ सकती है। ग्लूकोमीटर के ऊपर आप ब्लड को डालते हैं, छोटी बूंद और बड़ी बूंद दोनों में फर्क शुगर लेवल आएगा। इसको वैलिडेट करते हैं सीजीएम के थ्रू। यहाँ से जो ब्लड निकाला जा रहा है ये कैपिलरी ब्लड है और सीजीएम के हिसाब से मेरा शुगर है। हाथ से निकाला जाता है वो वीनस ब्लड होता है, दोनों में भी शुगर लेवल अलग आता है। 101 राइट, विच इज मोर क्लोजर टू दिस, मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूचेक ने क्या इसकी रीडिंग बढ़ाकर रखी है ताकि आप पैनिक हो और आप दवाई लो, डॉक्टर के पास जाओ? कंपनी की गलती नहीं है, आपको प्रॉपर टेक्निक फॉलो करनी होगी। कई दिनों की रीडिंग्स का एवरेज निकाला जाता है। और ये क्या झोल है, एक्यूचेक बताएगा या हम इंडिया वाले पूछेंगे उनसे? ब्लड प्रेशर की मशीन का भी अगर टेक्निक ऊपर नीचे हो जाए, आपका कफ छोटा बड़ा हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, आड़ा टेढ़ा हो जाए, आपने मशीन ऊपर नीचे रख ली तो आपका ब्लड प्रेशर अलग आएगा। ये दोनों मशीनें स्क्रीनिंग टेक्निक्स हैं, ये एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर नहीं बताती है, रेंज बताती है। इसीलिए इसका रिकॉर्ड जरूरी है। घर में रिकॉर्ड बनाइए, अपने डॉक्टर से बात करिए और डरिए मत, सोचिए, चीजों की तह तक जाइए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोग ताकि वो जागरूक हो सके।